नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। बाबा गोविंद साहब चेतक प्रतियोगिता में गोरखपुर की घोड़ी ने बाजी जीती है। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां स्वर्गीय लालजी सिंह के स्मृति में आयोजित बाबा गोविंद साहब चेतक प्रतियोगिता का भव्य आयोजन बाबा गोविंद साहब मेले में पश्चिम प्राथमिक विद्यालय की बाग एरौली अम्बेडकर नगर में किया गया, जिसमें कई प्रांतों से आए घुड़सवारों ने अपने घोड़ों के साथ हिस्सा लिया। चेतक प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह, महासचिव निषाद पार्टी व ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर बलवंत यादव द्वारा फीता काटकर किया गया। प्रतियोगिता 6 राउंड की कराई गई, जिसमें 7-7 घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के प्रथम राउंड के विजेता चंद्रशेखर पहलवान प्रथम तथा उपविजेता तांत्रिक बाबा गोरखपुर रहे। दूसरे राउंड के विजेता दयाराम पाल तथा तीसरे राउंड के विजेता धर्मवीर यादव खजनी गोरखपुर तथा उपविजेता सैयद फरहान मोतिहारी भी आए रहे। चौथे राउंड के विजेता महमूद हसन फूलपुर व उपविजेता इरफान प्रतापगढ़ रहे। पांचवें राउंड के विजेता राजाराम यादव देवरिया, उपविजेता गोलू यादव रहे। प्रतियोगिता का फाइनल व आखिरी राउंड जो 6 राउंड का हुआ, जिसमें कुल 10 घुड़सवारों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम विजेता धर्मवीर प्रधान घुड़सवार दुर्गेश की घोड़ी ने बाजी मारी और प्रथम पुरस्कार जीता। वही चंद्रशेखर पहलवान गोरखपुर द्वितीय विजेता रहे व बसपा नेता दयाराम पाल संत कबीर नगर द्वितीय विजेता रहे। सभी विजेताओं को ब्लॉक प्रमुख बलवंत यादव मिर्जापुर, संतोष यादव कोयलसा, शैलेश सिंह पिंकू द्वारा शिल्प पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। चेतक प्रतियोगिता में मेला प्रशासन ने विशेष योगदान दिया। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र सिंह मास्टर ने किया। चेतक प्रतियोगिता आप कई वर्षों से करा रहे हैं, आप एक खुद घोड़ा पालक भी घोड़ा भी पालते हैं, क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी है प्रतियोगिता कराने में और कितना सहयोग मिला प्रशासन का, स्थानीय लोगों का, इसके बारे में? प्रतियोगिता तो यहाँ 3 साल से हम करा रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि फील्ड की। पिछली बार हम लोग वहाँ दूसरी फील्ड में करवाए थे 2 साल, अब की बार वहाँ भी कब्जा हो गया दूसरे की जमीन। यहाँ कोई अस्थाई ज़मीन प्रशासन की नहीं है, या वैसे भी कोई खाली ज़मीन नहीं मिलती। अब की बार भी हम इसको समतल करा के यहाँ पर कराए हैं। कुछ दिक्कतें आई हैं स्थानीय लोगों से, प्रशासन भी मदद किया हम लोगों। कितने दिन से इस प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे कि इतना बड़ा पिच तैयार करके, और कितनी टीमें आई थी बाहर बाहर से, इसके बारे में? अब करीब हम लोग 15 तारीख से यहीं पर हैं जमीन, और बाहर से बहुत घोड़े आए थे, लगभग छोटे बड़े सब घोड़े मिला के कम से कम 1000 घोड़े यहाँ पे आए, और भी बहुत बिक्री के घोड़े हुए बहुत लोग, और जो भी आज यहाँ आगंतुक लोग आए हैं मैं सबका आभारी हूँ, सबको धन्यवाद। ये भी है, आप खुद घोड़ा पालते हैं, घोड़े की देख रेख करने में कितना एक पालक को कितना क्या सामना करना पड़ता है? बहुत कठिनाई आती है, मैन पावर की दिक्कत आती है, आदमी यहाँ मिलते नहीं हैं, सब बिहार और बलिया से मंगाया जाता है, गाजीपुर से। यहाँ लोकल में काम करने के लिए बहुत कम लोग हैं। क्या है आगे की, क्या रहती है आगे, कैसा? और अब इच्छा यही है, बाबा गोविंद साहब का आशीर्वाद रहा तो हर साल ऐसे ही आयोजन और भी अच्छा इससे प्रयास रहेगा, होता रहेगा। धन्यवाद। साहब धरती पे चेतक प्रतियोगिता होती है, कई वर्षों से हो रही है, आज भी कहाँ कहाँ से टीम आई थी, कितनी टीम आई थी, कितने राउंड में मैच हुए, इसके बारे में? इस पर चर्चा करना थोड़ा बृहद हो जाएगा, ये अनादिकाल से है। गोविंद साहब की धरती देश में 4 मेले प्रसिद्ध थे, राजस्थान पुष्कर, बलिया ददरी और सोनपुर बिहार, और गोविंद साहब जो पशुओं के लिए विख्यात मेला था। यहाँ पे स्वर्गीय लालजी सिंह प्रमुख जो बहुत बड़े पशु प्रेमी थे, रामलखन वर्मा जी, उनके द्वारा ये आयोजन होता था। कालांतर में ये रुक गई थी प्रथा। हमारे नौजवान साथी, मेरे छोटे भाई संतोष यादव, पिंकू सिंह गोविंदापुर और हम लोग सारे लोगों ने ये निर्णय लिया कि ये प्रतियोगिता पुनः से जीवित की जाए, और जो ये प्रतियोगिता हो रही है ऐसी परिप्रेक्ष्य में मत देखिए, एक जीता इसके अंदर एक खेल भावना जो हमारी होती है कि विजेता ही नहीं होता है, खेल भावना होती है कि दूसरे के एक दूसरे का सहयोग करना, परस्पर ये सीख मिलती है। हो सकता है हमारे इन्हीं प्रयास से जो घोड़बाजी देश स्तर पर जो हमारी ओलंपिक हो रही है, एशियाई गेम्स हो रहे हैं, हो सकता है इसमें से प्रतिभागी कुछ तैयार हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। यह विवाद नहीं था, ये जिद थी, किसी ने गलती किया, कमेटी ने फाउल किया, वो मेरा ही घोड़ा था, लेकिन मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ, सवार की गलती थी, वो उसको वॉकआउट दिया गया।
फर्स्ट गोरखपुर की घोड़ी प्रथम आई और वो हमारे मेहमान थे, हम उसको पुरस्कृत किए। साहब की धरती पर लगातार कई वर्षों से चेतक दौड़, आप यहाँ की मूर्तियाँ आए देखे हैं, कैसा लगा आपको? प्यार आज देखिए गोविंद साहब की बाबा के इस पावन धरती पर आज मुझे आकर बहुत ही अच्छा लगा। हमारे पुता तुल्य स्वर्गीय लालजी सिंह की स्मृति में आज ये जो चेतक प्रतियोगिता कराई गई बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा यहाँ पर आज जो जनता द्वारा जनसैलाब उमड़ा और देखने के लिए आज बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार ये प्रतियोगिता देखने का मुझे मौका मिला, मैं आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने प्रिय बड़े भाई संतोष यादव कोलसा प्रमुख जी को, गौरव सिंह प्रमुख को और हमारे गप्पू भैया और शैलेश भैया सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, यहाँ पर सम्मानित जनता ने भी इतना सहयोग दिया कि देखिए इतना भीड़ होने के बाद भी कहीं कुछ कोई भगदड़ भी नहीं हुई, सब शांति से निपट गया, बहुत ही अच्छा लगा। कौन सा घोड़ा आपको अच्छा लगा, कई राउंड चले और कौन सा घोड़ा फर्स्ट आया इसके बारे में? देखिए एक गोरखपुर की घोड़ी थी जो फर्स्ट आई है, वो अच्छा दौड़ भी रही थी, हम पहले भी देखे उस पहले राउंड में भी वो अच्छा दौड़ रही थी। एक घोड़ा और था जो अच्छी स्पीड थी लेकिन वो पिछड़ गया काफ़ी, लेकिन वो हेल्दी भी था, अच्छा भी लग रहा था, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहा। क्षेत्र का काफ़ी अच्छा प्रतियोगिता होता है, चेतक प्रतियोगिता और बढ़िया बढ़िया, क्या चाहेंगे आपकी इस तरह और प्रतियोगिता? नहीं इस तरीके से जो प्रतियोगिता और जगह सुना हूँ लेकिन आज की सबसे अच्छी प्रतियोगिता आज हमारे गोविंद साहब बाबा के स्थान पर हुई, जो बहुत अच्छा लगा।